Hello students, welcome to chemistry class. Today we will discuss our first chapter of chemistry, that is introduction to chemistry. Science deals with the systematic study of the structure and behavior of a physical and natural world through observation and experiment. Science hai beta, jo science hai wo kya deal karta hai? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ फिजिकल नेचुरल वर्ल्ड. फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड को हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके. अब क्या हुआ, साइंस की थ्री मेजर ब्रांचेस हैं. व्हाट आर दे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज के बारे में स्टडी करेंगे, मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे. एंड बायोलॉजी के में हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, टिश्यूज एंड इन सब बारे में डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद कंपोजिशन ऑफ मैटर, investigating the properties and reactions of matter and the uses of this reaction to form new substances. Chemistry science की ऐसी branch है जिसमें हम deal करते हैं matter के composition में, investigating the properties and matter के reactions, क्या react कर रहे हैं, क्या reaction है उनकी, क्या property है उनका, उस matter के क्या composition है, और उस रिएक्शन का यूज़ करके हम एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं. केमिस्ट्री में बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस की वजह से दो मतलब रिएक्ट करके, कुछ चीज़ों को रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं. केमिस्ट्री बेसिकली है. अ पर्सन हु डज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड केमिस्ट. ऐसे पर्सन जो केमिस्ट्री की फील्ड में रिसर्च करते हैं उनको हम बोलते हैं केमिस्ट. Now, development of chemistry, a historical perspective. Development of chemistry kya hai? We can say that history of chemistry is actually the history of civilization. Since the prehistoric times, chemistry is known for a long time, be it the brewer and vintners using fermentation techniques to make cheese, beer and wine, or ancient era housewives leaching the lye from wood ash to make soap, or the smiths who learn the combination of copper and tin to make bronze. जो केमिस्ट्री है बेसिकली बच्चा वो हिस्ट्री से चलती आ रही, बहुत टाइम से चल रही है. पहले क्या होता था, लोग मतलब फर्मेंटेशन टेक्निक्स यूज़ करते थे, जैसे चीज़ बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, तो एक फर्मेंटेशन टेक्निक्स यूज़ किया करते थे एंशियंट टाइम में. और जो हाउसवाइफ्स होती थी वो ऐश से मतलब कि जो फूड की ऐसे सोप बनाते थे, और जो स्मिथ थे उन्होंने कॉम्बिनेशन कॉपर और टीन के कॉम्बिनेशन से ब्रॉन्ज बनाया था. तो मतलब क्या है, जो केमिस्ट्री है वो एंशियंट टाइम से चलती आ रही है. कुछ कुछ टेक्निक्स, फर्मेंटेशन टेक्निक्स के यूज से हम कुछ ना कुछ बनाते आ रहे हैं. वन ऑफ द रिमार्केबल यूज एंड स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वॉज कंडक्टेड बाई ऑल केमिस्ट इन यूरोप. Alchemists primarily aim to transform common metal into gold or silver using the philosopher's stone, developing the elixir of life and development of a universal solvent. Study of chemistry was conducted by all chemists in Europe. Study of chemistry किसने conduct किया था? By all chemists in Europe. All chemists primarily aim to transform. उन्होंने ये एम किया था कि कॉमन मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर को ट्रांसफॉर्म किया था, कॉमन मेटल्स को किसने, गोल्ड और सिल्वर में, यूजिंग द फिलोसोफर्स स्टोन. फिलोसोफर स्टोन के यूज से डेवलपिंग द एलिक्सायर ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ऑल्दो सच मिडिल एज केमिस्ट वर नॉट fully successful, they made significant discoveries in their attempts. Ancient smiths used natural occurring and relatively pure metals such as gold, silver and copper. Gold was primarily used for jewelry as it was shiny and lustrous. Silver is very uncommon and used much less than gold for similar purposes. अब मिडिल एज की बात करते तो केमिस्ट पूरी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुए थे. उन्होंने डिफरेंट टाइप की डिस्कवरीज की थी, और एंशियंट स्मिथ यूज्ड नेचुरल ओकरिंग एंड रिलेटिवली प्योर मेटल्स. जो प्योर मेटल्स का उन्होंने जो निकाला, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये किसके लिए? गोल्ड बेसिकली किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको वो शाइनी नेचर का होता है.
और सिल्वर को भी हम यूज़ करते हैं सिल्वर का, क्योंकि वो थोड़ा लेस शाइन करता है और उसको भी ज्वेलरी के लिए भी हम यूज़ करते हैं और डिफरेंट पर्पस में भी यूज़ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉपर वॉज़ यूज फॉर टूल्स एज इट कुड बी हार्डन्ड बाई हैमरिंग बट हैड लिटिल वैल्यू फॉर पीपल। कॉपर को हमने ज़्यादा वेपन्स के लिए यूज़ किया था। इन एडिशन टू दिस टीन वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन मेटल। जो टीन है वो सबसे पुराना सबसे पहले जो हमको मेटल मिला था वो है। इट वॉज़ यूज टू अलॉय विथ कॉपर टू फॉर्म ब्रॉन्ज। इसको कॉपर के साथ मिक्स करके हमने क्या बनाया था, ब्रॉन्ज बनाया था। केमिस्ट्री में हमने क्या करते हैं, बेसिकली रिएक्ट करवा के कोई एक नई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉपर ब्रॉन्ज हैज सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ एंड वॉज यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। ब्रॉन्ज में स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि कॉपर की वजह से, तो वो टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए यूज़ होता है। द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री वॉज प्राइमरली कंसर्न विद द अर्लीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मेटलर्जी पॉटरी एंड डाइज। दिस टेक्निक्स वर डेवलप्ड विद कंसिडरेबल स्केल बट विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व। केमिस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमको नॉलेज होनी चाहिए मेटलर्जी पॉटरी एंड डाइज की, जो टेक्निक्स डिफरेंट टेक्निक्स से यूज़ करके हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करके न्यू सब्सटेंस बना रहे थे, हमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब केमिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। द प्योरीफाइड वाटर दैट वी ड्रिंक, द कलरफुल क्लॉथ दैट वी वर, द प्रिजर्व फूड दैट वी ईट, द मेडिसिन दैट क्योर अस एंड द नंबर ऑफ अदर थिंग्स ऑन विच वी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर द बोन ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। जो हम प्योरीफाइड वाटर ड्रिंक करते हैं, कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं, जो फूड प्रिजर्व फूड जो कंटेनर्स में फूड मिलता है वो मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं, वो सब हम केमिस्ट्री ने हमको दिया है। इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री एप्लीकेशंस क्या हैं देखो, चाहे लुक एट दिस एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वजह रिक्रिएशन, प्रिजर्वेटिव्स, लग्जरीज लाइफ जो केमिस्ट्री की वजह से मिल रही है, हमारी हेल्थ, पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डिंग्स जो बन रही हैं वो भी केमिस्ट्री की वजह से ही बन रही हैं। केमिस्ट्री कम्युनिकेशन में काम आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा है, फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं वो भी केमिस्ट्री से बनते हैं। जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम जैम सॉस ये सब चीज़ें खाते हैं तो वो प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं। फूड प्रोडक्ट्स, क्लॉथ्स जो कलरफुल क्लॉथ्स होते हैं डाइज, वो भी केमिस्ट्री की वजह से ही बनती है। नेशनल डिफेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस, मतलब कि कुछ बन रहा है, एटम बम्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर बम्स बन रहे हैं, वो सब केमिस्ट्री की वजह से ही बनते हैं। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, In order to increase crop yield and refill nutrients, most soil has to be provided with fertilizers. अब अगर हमको crop yield मतलब कि crops, जब agriculture में हम crops उगाते हैं उनको fully nutrient देने के लिए soil में हमको fertilizers डालने पड़ेंगे। soil को अच्छा बनाने के लिए तो different type of fertilizers हम use करते हैं। केमिस्ट टेस्ट दी सॉइल एंड रिकमेंडेड विच फर्टिलाइजर मोस्ट सूटेबल डिपेंडिंग ऑन दी सॉइल। अब केमिस्ट जो क्या करते हैं, जो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं केमिस्ट, वो टेस्ट करेंगे सबसे पहले सॉइल को। सॉइल को टेस्ट करने के बाद आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन सा फर्टिलाइजर ये इस जगह में उस सॉइल में डिपेंड मतलब कि यूजफुल है, सूटेबल है, वो फर्टिलाइजर कौन सा फर्टिलाइजर यूजफुल है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, रिकमेंड करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग्स, अब इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश एंड सम आर ऑप्टेंड बाई केमिकल प्रोसेस। ये सब केमिकल प्रोसेस से ही बनते हैं, ये सब सोडियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया। द यूज़ ऑफ सच फर्टिलाइजर हैज़ ग्रेटली इंक्रीज द फूड आउटपुट। जब हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमको जो फूड का आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो फास्टली ग्रो हो रही है। अब जितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उतना हमको फूड भी तो चाहिए। अब फूड को ज़्यादा करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमको फूड आउटपुट हमारा इंक्रीज़ हो। एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन अवर कंट्री हिस्ट्री इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है फर्टिलाइजर हमारे यूज़ हो रहे हैं हमारी कंट्री में, उसका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, उसमें हाई वेराइटी ऑफ ईल्ड मतलब फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारे फूड की आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके,
Now look at this page. इसमें use of chemistry in agriculture. Agriculture में chemistry का क्या use होता है? Weed killers, जो unwanted weeds उग जाते हैं ना crops के साथ, जो हमको useful unwanted होते हैं, तो उनको weed killer के लिए weedicides मिलते हैं. Food preservatives करने, food को preserve करने के लिए, soil को ठीक करने के लिए, treatment करने के लिए. Insecticides, जो insects होते हैं उनको मारने के लिए. Fungicides, fungus को मारने के लिए. Pesticides use करते हैं. फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फूड आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए. इम्प्रूवमेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड इंडस्ट्री वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. दिस इज़ योर लर्निंग वर्क. यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम. फाइंड द ऑड वन आउट. नायलॉन, रेयन, टेरिलॉन, कॉटन, इन सब में कौन ऑड है? कॉटन अलग है क्योंकि नायलॉन, रेयन, टेरिलॉन क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर, और जो कॉटन है वो क्या है, नेचुरल फाइबर, इसलिए वो डिफरेंट है. फर्टिलाइज़र, सोयाबीन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. जो फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये क्या है, फूड प्रोडक्ट्स हैं. ये क्या है, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ होते हैं. लेकिन जो सोयाबीन है ये क्या है, ये फूड प्रोडक्ट है. DDT, BHC, TNT. TNT क्या है, कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है. लेकिन जो BHC और DDT है ये इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ होते हैं. लेकिन जो TNT है वो एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है. सल्फर, जिंक फॉस्फेट, बोर्डेक्स, DDT. इसमें जो DDT है वो इंसेक्टिसाइड है, वेयर एज सल्फर, जिंक फॉस्फेट, बोर्डेक्स, ये सब के ये फंगीसाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, इसमें से हमने क्या किया, ऑड वन आउट रिमूव किया. मेलेथन, पैराथन, एल्ड्रिन, प्लास्टिक, इन सब में प्लास्टिक डिफरेंट है क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का. लेकिन जो मेलेथन, पैराथन और एल्ड्रिन है ये पेस्टिसाइड्स हैं. लेकिन जो प्लास्टिक है वो बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का. मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. नेम थ्री इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स थ्री कौन से इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स है, यूरिया, पोटैश, सोडियम नाइट्रेट. नेम थ्री सिंथेटिक फाइबर्स. थ्री सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं, रेयन, नायलॉन, टेरिलिन. कॉटन नहीं हो सकता है, कॉटन क्या होता है, नेचुरल फाइबर होता है. नेम फाइव आइटम्स ऑफ डेली यूज. हमने फाइव आइटम्स के नाम बताने हैं जो केमिस्ट्री से बनते हैं लेकिन हम रेगुलर यूज़ करते हैं. LPG गैस यूज़ कर रहे हैं हम. कॉस्मेटिक, जो हम क्रीम सब यूज़ करते हैं वो भी केमिस्ट्री से बन रहे हैं. मेडिसिन, सोप्स, डिटर्जेंट. इंसेक्टिसाइड्स, टू इंसेक्टिसाइड, DDT, हेप्टाक्लोर, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज होता है एग्रीकल्चर में. राइट वन यूज ऑफ एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग पीस टाइम. ए वन एक्सप्लोसिव पीस टाइम के लिए कौन सा एक्सप्लोसिव है, TNT. ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है ये. नेम एनी टू टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्मार्टफोन एंड टेलीविजन. ये टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं. हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प इन रिक्रिएशन. रिक्रिएशन में केमिस्ट्री कैसे हेल्प करती है. केमिस्ट्री हेल्प्स इन रिक्रिएशन फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक आईपॉड, कैमरा, स्मार्ट वॉचेस. केमिस्ट्री रिक्रिएशन में कैसे यूजफुल है, क्योंकि केमिस्ट्री की हेल्प से हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी तो मिल रहे हैं, कैसे आईपॉड, कैमरा, स्मार्ट वॉचेस, ये सब में भी केमिस्ट्री से बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स यूज हुए हैं. ओके, राइट एनी टू इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स यूज इन इंडिया. द इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स यूज इन इंडिया आर यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट. राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDT. द फुल फॉर्म ऑफ DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. ओके, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.